उस बार जाना है पूजा करने के लिए। इतना सारा पागल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मित्रों बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। मैं अपना आशीर्वाद से ठीक हूँ फ्रेंड। जय माता दी, हर हर माधव फ्रेंड। और अभी देखा इतना जोर से मेरा कान नोच दिया इसको ना, सही में बहुत गुस्सा आता फ्रेंड को, इतना जोर से चोट लगे मेरे कान में। लेकिन क्या करें, बच्चा है ना, कुछ कर भी नहीं सकते फ्रेंड। इतना जोर से नोच खोल दिया मेरे कान का, देखे गाइस। तो फ्रेंड अभी हम रेडी सेडी हो गया लड्डू के लिए, अभी कपड़ा सब पैक कर लिया है उसमें बैग पे। और अभी जो हम लोग निकल रहे हैं फ्रेंड, हमारे लड्डू जा रहे हैं आज बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं आज हम लोग घूमने ना। लड्डू जा रहे ना हम लोग बहुत दूर जा रहे ना, कहाँ जाएंगे बोल तो, पापा को छोड़ के कहाँ जा रहे बोल, कहाँ जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे ना घूमने हम लोग। हम लोग अभी जा रहे फ्रेंड, रेडी सेडी हो गया, बैग वैग भी पैक हो चुका है। रुके मत फ्रेंड, कैमरा को हमको सेटअप करने दीजिए बस। तो मेरा कान का नोच दिया फ्रेंड, पता है जब उसकी से मैं कान का पहनी थी, मेरे कान को खोल दिया। किसको किसको कान का पहनने से कान दर्द होता बताइए, अगर सबको तो दर्द होता है कान, काफ़ी दिन के बाद में पहनते ना इतना बड़ा बड़ा कान फिर का, इसलिए शायद मैं कान में दर्द बढ़ जाता है इसी वजह से। तो अभी हम टोटो वाला को फ़ोन किए थे, यानी कि मेरे ड्राइवर को, तो वो बोला कि आ रहा भाभी 10-15 मिनट में आ रहा बोला। तो और हम रोहित जी को फ़ोन कर दिया, बोले कि हम लोग जा रहे हैं आज, और कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को पता चले। बस अब हम कंटिन्यू में ब्लॉग बने रहिए, और आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है फ्रेंड। और प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। अब हमको पता है फ्रेंड कि आप लोग मेरा ब्लॉग देखिएगा तो नेगेटिव कमेंट कीजिएगा, वही फायदा पता है। और 100% पता है फ्रेंड कि आप लोग बिना नेगेटिव कमेंट किए तो रह नहीं सकते हो। और जो मुझे प्यार करते हैं ना वो लोग अच्छे कमेंट करते हैं, जो मुझे जो हेट करते हैं ना वो लोग मुझे ऐसे कमेंट करते हैं। और कोई कोई लोग अच्छे भी ऐसे है कि मुझे समझाने के लिए कमेंट करते हैं कि ऐसे मत पैसे निकलो बोल करके। थैंक यू, आप लोग इतना मेरे लिए सोचते हो, बोलते हो, हमें अच्छा लगता है आप लोग बोलते हो। और हम कोई कोई बात आप लोग सुनते भी है, आप लोगों को पता है। लेकिन अभी घूमने जा रहे तो इसलिए आप लोग बने रही है, मेरे ड्राइवर को फोन आ रहा है गाइस। और नाश्ता तो कुछ भी नहीं किया, अभी नाश्ता करेंगे बाजार में। मत
का 10 फुट बच सकता है, जिसका जिससे हम मिलने के लिए आए, मतलब जिसके पास हम आए हैं वो स्टेशन में बैठने को देवी 9 बजे तक, 9 से 10 बजे तक। तो अभी यहाँ वेट कर सकते हैं, और अभी का टाइम और 7 बजे का, अभी 7 बजे निकलने वाला है। मेरे इन लोग से प्यार से कुछ करते रहिए, अगर सर थोड़ा भगवान से प्रार्थना की दीजिए, और यहाँ पे इतना सारा खाने का पकड़ लिए है, लड्डू भी सब चोरी किया है, और पकड़ नीचे में बैठे जा रही है, देख सकते हैं लड्डू कैसे बैठा हुआ है कुर्सी में, देखिए अपने से बैठ गया है कैसे देखे। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, बट अभी तक ट्रेन आई नहीं है, यहाँ पे लगी है दूसरे मालगाड़ी लगी हुई है यहाँ पे। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टेशन है, बहुत सुंदर सा भी है। अभी दीदी लोग पहुँचने ही वाले हैं काफ़ी देरी के बाद, अभी 8:30 रात के बजने जा रहा, और दीदी लोग अभी 9:15 या 10 मिनट में पहुँचेगी। और लड्डू को देखे ना, बदमाशी कर रहा बार बार यहाँ से, और इसको जो है ना इसमें चूड़ा वगैरह बिस्कुट बिस्कुट भरे हैं, तो इसको दे रहे हैं तो बार बार नीचे गिरा रहा था। अभी इसको उठा के हम अपने इधर साइड में रखे थे, तो ये खोज रहा कि कहाँ गया, बोलते देखिए देखे 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 फेंक दिया, फिर उठा के दो इसको, फिर फेंक देना, ये ऐसे ही कर रहा है। और अभी कहाँ फेंक दे बेटा, अभी इतना दूर जाएंगे नाना, तुम अच्छे से बैठो जी जाना, तुम गिर जाओगे बैठे। पापा की याद आ रहा है, पापा की याद आ रहा है, हेलो पापा बोल दो, तो पापा को हेलो बोल दो, पापा ब्लॉग देखेगा मैं लड्डू क्या कर रहा है, इसके सामने बदमाशी कर रहा है, क्या कर रहा है। चलो फिर हम लोग बने रहे ब्लॉग पे, काफ़ी बड़ा स्टेशन है, और ना ट्रेन में ना सर में इतना सा दर्द हो रहा है पता है, और ना तभी मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन अभी डर नहीं लग रहा है गाइस, क्योंकि ना इतना सिर्फ पब्लिक लोग हैं ना, इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा, वरना हम ना सोच रहे थे कहीं। हाँ लेकिन ये 1 प्लेट है, और 2 प्लेट नंबर उधर है ना, उस ट्रेन इस ट्रेन के उस पास, तो वहाँ पर ना पूरा सन्नाटा है, फिर भी तो ना खाली लड़ा पा लगा, इसलिए हम ना उधर नहीं गए थे बैठा हुआ। हम दीदी को बोले जब पहुँचे ना तब फोन करें, जब हम उस साइड पर ना चल जाएंगे, जब अगर ट्रेन आएगी तो 2 नंबर में, तो दीदी बोले कि 1 ही नंबर में आएगी, तो इसलिए हम 1 ही नंबर में अभी बैठा हुआ है तभी से। ये वाला लाइन पे आने वाली है ट्रेन, अभी अनाउंसमेंट किया था इसमें से, तो अभी आ रही है, तो अभी हमको रेडी होकर रखना है, यानी कि बैग को पकड़ना है, लड्डू को भी पकड़ कर रखना है गाइस। पहली फ्रेंड अभी ट्रेन का पारी आ गया, अभी आ रही है ट्रेन, और देखते हम घर से निकले थे कैसे, और अभी दिख रहे हम कैसे, और देखिए ना थ्रेडिंग भी कितना दिन से बनाए ना, कैसे दिख रहा है ना बाल, आईब्रो बताइए कमेंट कर, आईब्रो बना के रखते हैं तो अच्छा लगता है कि बिना बनाए अच्छा लगता है, बताइए ठीक है। मैं बेटा तो बार बार देखना कैसा फेक रहा है, तो चलिए अपना लाइक शेयर कमेंट कीजिए, डिजर पे आ दीजिए, और क्या करने जा रहे नहीं जा रहे वो आपको हम बताते रहेंगे, बस कंटिन्यू रहिए। दे बेटा क्यों कर रहा है सब बोलते, तुम लड्डू देखे ना इसको बदमाश कर रहा है, देखिए इस पर बदमाशी कर रहे हैं वो।
हमको उस पार जाना है पूजा करने के लिए। मेला लगा हुआ है और वहाँ से हमको सीढ़ी चढ़ के जाना होगा गाइस। उस पार से उस पार जाएंगे और अभी यहाँ पे लड्डू सोया हुआ है और मेरा खाना पीना हो चुका है। हम खा पी लिए, बस हमें नहाने के जुगाड़ खोज रहे कहाँ नहाएंगे तो कपड़ा उपड़ा चेंज करके पूजा करने जाएंगे। बट पूजा तो होगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि ना क्योंकि यहाँ पे नहाने के लिए समझ में नहीं आ रहा और बस मंदिर जो सुबह में खुलेगा 4 बजे या 3 बजे खुलेगा, तब तक के लिए हमें जागरण कर रहे थे और क्या कर सकते हैं। और इतना सारा भीड़ है, पता नहीं जगह मिले कि नहीं मिले, जाने मिले वो नहीं पता गया। इसलिए आप लोग बने रहे ब्लॉग में, हम तो ऐसे जाने नहीं सकेंगे शायद, तो मेरे भाई जाएगा तो शायद वो ब्लॉग व्लॉग बनाने से ठीक नहीं सकते, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और इसलिए आप लोग बने रहे ब्लॉग में गाइस, हर हर महादेव ना भूलिएगा। और आप लोग कहाँ गए थे घूमने के लिए भी बताइएगा। फैमिली फाइनली आप हम लोग जो है पहुंच गए अपने घर, यानी कि दीदी का घर पहुंच गया है। और इतना ज्यादा हमने ट्रैफिक क्या ट्रैफिक इतना झमेला झेल झेल के हमने आखिर का पहुंच गए। और अभी हमें फ्रेश वेश होकर बाहर में बैठे हुए दीदी बोल के हम जा रहे सोने सो नहीं जाएंगे बोले, वैसे लाइट कर दिया फिर भी खिड़की खुला ना, पानी इतना बारिश हो रहा है, मौसम ठंडा है, नींद आ जाएगा। सही बोला, अभी हम सोएंगे, अभी बज रहा है 1 बजने वाला है, 15 मिनट बाकी है, अभी हम सोएंगे उठेंगे शाम 4-5 बजे और शाम में दवाई ले देंगे। दर्द दे रहे हैं फूल गया इतना बड़ा, मधु खाता है कितना इसलिए दांत उड़ दांत में इतना बड़ा थोड़ी मसूड़ा फूलेगा, हम लोग भी दांत होता है। दांत होने से दर्द देता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, उम्मीद तब लोग मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। आया तो लाइक कमेंट कीजिए, ढेर सारे प्यार दीजिए, बस मंदिर के अंदर नहीं घुसे बाहर जाने का। वो बोल वाला जो दिख रहा है चेहरा उसमें ना आएगा, नहीं वो फ्रेश लाइट है। और क्या लग रहा है, हमको लगा कि गोल वाला में चेहरा तो दिखना चाहिए। नहीं ये फेस लाइट है, सेटिंग करे चेहरा। और ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, फिर वीडियो बंद करने के बाद क्लियर दिखेगा। हाँ देखिएगा, चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।